नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि है पान पत्ते को लेकर। वीडियो में कुछ स्किन केयर टिप्स बताया गया है जो कि बिल्कुल हटके है, और मुहासों को दूर करने के लिए पान पत्ते का इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए। दोस्तों, आप पान पत्तों से कैसे फेस पैक बनाएंगे, कैसे अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, पान के पत्ते में मौजूद तत्व स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा पान पत्ता आपकी स्किन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं मुहासों को दूर करने के लिए पान के पत्ते का कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, स्किन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। स्किन को लेकर कोई भी लापरवाही मुहासों और पिंपल्स का कारण बन सकता है। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में आपको इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बजाय घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन पर किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, आप पान की पत्तों से कैसे फेस पैक बनाएंगे, कैसे अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पान के पत्तों के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, पान के पत्तों में मौजूद तत्व स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। ये आपके स्किन के दाग धब्बों को तो कम करता ही है, साथ ही मुहासों और पिंपल्स को भी दूर करता है। इतना ही नहीं, अगर आप नियमित रूप से पान के पत्तों से बने फेस पैक का इस्तेमाल करेंगे तो स्किन में ग्लो भी आएगा। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि पान का पत्ता, बेसन और चंदन का फेस पैक कैसे बनाते हैं। दोस्तों, 2 से 3 पान के पत्ते को अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर ले। इसके बाद उस पेस्ट में आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच चंदन और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब उसके बाद उस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। और हाँ दोस्तों, धोने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए पान का पत्ता और हल्दी का फेस पैक के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पान के 2 से 3 पत्तों को मिक्सी में ग्राइंड करें। अब उसे एक बर्तन में निकाले और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर ले। अब तैयार हुआ फेस पैक को पिंपल्स वाली जगह पर या फिर आप इसे पूरे चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दे। अब सूखने के बाद पानी से साफ कर ले। ये फेस मास्क चेहरे पर पड़े दाग धब्बे झुर्रियों को दूर करके ग्लोइंग स्किन दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, अभी आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पान पत्तों से बना फेस पैक चेहरे पर कब कब लगाए। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अगर आप जल्द से जल्द मुहासों और पिंपल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पान के पत्तों के फेस पैक को हफ्ता में कम से कम 2 से 3 बार जरूर लगाएं। पान की पत्ते ना सिर्फ मुहासों को कम करेगा बल्कि चेहरे की निखार भी बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से इस पान पत्तों से बना फेस पैक को लगाएंगे तो आपके चेहरे से दाग धब्बे भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की भला हो सके। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।